Mana apa isu pun main ni. Hey. Senggabai. Senggabai. Oh. Aman ke? Pucuka-pucuka. बहुत बारिश हो रही है तो मम्मी घर वापस आ गई है अपना वेकेशन मना के। सबसे पहले तो हम अभी का मोबाइल देखेंगे ना, हम देखेंगे, हम अभी का मोबाइल देखेंगे क्या क्या फोटो खींचा है। हाँ है अभी का मोबाइल। नहीं देखेंगे अभी का मोबाइल। नहीं गार ओ मालाब नंबर ओ भी जाएगा नहीं उसको बिलाए डायरेक्ट फ्रॉम शिलोंग मेघालय। मेघालय का सब्जी है ये। मेघालय का ये अचार बंदा कोबी मूली आलू ये भगवान मानसरा माला हुई बिहार माला हुई आलू मूला इस मिही नै आबैया औ शिलंनि आलुजों गेलेदों दे आं आंगो शिलं था आयु मिनि गोसले एमियालै डायरेक्ट फ्रॉम शिलं बंदा कोबी मूली आलू और ये अचार लोकिया लाते हैं और आलू क्या लाता है बनी नी सनी बनी बे फोटो फोटो अब इलेफेंट फॉल्स अब यह वीडियो बनाए दिन छो ना लोग बाहर घूमने जाने से क्या लाते हैं क्या शॉपिंग करते हैं देखिए। और मम्मी ने क्या लाई है आलू मूली गोभी और क्या अचार। ये मम्मी लोगों का मतलब बहुत ही ज़्यादा फेवरेट शॉपिंग है सब्जी की शॉपिंग। तो जहाँ भी जाए मतलब सब्जी की शॉपिंग करनी ही है। देखिए ये गोभी तो हाफ किलो की तो होगी ही या उससे भी ज़्यादा हो चाहे बैग जितनी भी भारी क्यों ना हो। ये अचार है फिश की अचार। अचार तो हर कोई लाता है जब भी शिलोंग कोई घूमने जाते हैं तो अचार वगैरह तो लाते ही हैं। लेकिन सब्जी की शॉपिंग पहली बार मैंने सुनी है मतलब देखी है मम्मी ने। मैंने पहली बार देखी है मतलब अपने घर में ही देख ली है ये सब्जी। ये पत्ते जो है थोड़े से सूख गए हैं। तो मम्मी कह रही थी कि गुवाहाटी में इतनी ज़्यादा गर्मी थी तो बैग में पड़े पड़े बेचारा सब्जी सूख गया है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे हैं 8। तो अभी हम चाय पीने के लिए बैठे हैं और मिहिर इधर खेल रहा है। उठा
तो अभी इस शाक को हम फ्राई करेंगे जो मम्मी लाई थी शिलोंग से। तो ये आलू भी शिलोंग का है, तो बनाएंगे ये ड्राई फिश के साथ। ये ड्राई फिश शिलोंग से नहीं है, ये घर का ही है। थोड़ा ऑयल डाल देती हूँ। शाक भाजा करेंगे अभी, बस दो चिली और प्याज डालूँगी। सब्जी जो है सूख गया था, तो खुद का जो पानी निकलता है वो नहीं निकला है, तो इसे धीमी आंच में पकाऊंगी। मिहिर खाना खाने के बाद ये देखिए कैसे फैला के सो रहा है, बिंदास। ज़िंदगी अगर कहें तो बचपन में ही अच्छी होती है, बड़े होने के बाद तो ज़िंदगी मतलब एक टक्कर सी है। जब हम बड़े होते हैं तब तो हर एक स्टेप में हमें जूझना है, स्कूल, कॉलेज, नौकरी, शादी। पिज़ा 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 मिहिर पिज़ा 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 ना 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 पिज़ा 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 ना ना मा 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 ना मा पिज़ा उता उता पिज़ा 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 शिना पिज़ा 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 उता 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 पिज़ा 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 शिना पे पिज़ा पिज़ा ओ ओय शिना ला ऐ拜拜กระทาลअभी मैं खाऊंगी ये कटहल। मिहिर तो गए अपने नानी के साथ घूमने, बहुत मीठा है। हला हला ये देखिए देखिए देखिए, मिहिर अपने नानी को हेल्प कर रहा है बस्ता उठाने में। मेहनती बच्चा है।